फरमान जारी कर रही है। मुझे बिल्कुल यह नहीं लगता है कि इन कारणों से कोई भी फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा अगर दिल्ली सरकार सभी लोगों के साथ कम्युनिकेशन करती और सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाते हुए, चाहे मार्केट एसोसिएशन के लोग हों या सामाजिक संस्थाएं। कौन नहीं चाहता कोरोना से बचना? आप दिल्ली के लोग बचना चाहते हैं, सरकार का ये जिम्मेदारी है कि इस समय उनको मदद करने की ज़रूरत है, उनको अवेयर करने की ज़रूरत है। ऐसे में जब मास्क का जुर्माना उन्होंने इतना बड़ा है, दिल्ली का गरीब आदमी कहाँ जाएगा, जिसके पास जो पहले से ही कोरोना से जिसकी कमर टूट चुकी है, जिसके रोजगार नहीं बचे हैं, उनके आप ऊपर आप 2000 रुपये का जुर्माना थोप दें, फिर आप जिस सोशल डिस्टेंसिंग की जुर्माने की बात कर रहे हैं, आपने क्या DTC बसों में जब 20 की संख्या को बढ़ाकर फुल कैपेसिटी की तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? क्या दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकता है वहाँ कैसे होगा? तो ये जो बात है ये बिल्कुल तर्कपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है दिल्ली सरकार पिछले 8 महीने में कदम नहीं उठाए जो कदम उठाने चाहिए थे। अगर समय रहते वो लोगों को अवेयरनेस करने का ही काम करते, मार्केट एसोसिएशन के साथ बात करते, RWA के साथ बात करते। मुझे इस बात की दुख होता है कि 8 महीने उनको लग गए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने में। दो दो बार उनको कोरोना के मामले में दो दो बार सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार और गृहमंत्री अमित शाह जी को इंटरवीन करना पड़ा दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए। तीन तीन बार उनको कोर्ट की फटकार लगी। तो इससे ज़्यादा कोई शर्म की बात नहीं हो सकती जब पूरे देश और दिल्ली में महामारी है। ऐसे में सरकार को प्रोएक्टिव होकर आगे आना चाहिए। सिर्फ अपने तुगलकी फरमान जारी करके कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता। कल भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए एक बड़ा मुहिम छेड़ी है कि दिल्ली के जो गरीब लोग हैं, जो मास्क नहीं पहन सकते हैं या जो परमानेंट नहीं वियर कर सकते, तो दो तरह का कैंपेन हमने लिया है। हम मास्क भी बांटेंगे, हम अवेयर भी करेंगे लोगों को। प्रधानमंत्री जी का ये संदेश कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और सब लोग मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें, हाथ धोएं, यही एकमात्र बचाव है। लेकिन इसके लिए सरकार को इस तरह काम नहीं करना चाहिए। एक तरफा निर्णय, आप लोगों से ऐसे समय संस्थाओं के साथ बात करके, दिल्ली की 2 करोड़ जनता, आप सत्ता में आने से पहले तो कहते थे हम सब लोग बात करके ही काम करेंगे, और अब उन्होंने बात करना ही बंद कर दिया है। 1-way ट्रैफिक चल रहा है। सिर्फ मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो उन्होंने 25 करोड़ रुपया खर्च इकट्ठा किया चालान में, वो पैसा क्या उन्होंने विज्ञापन में ही सारा खर्च कर दिया? इससे पहले भी 3 महीने में 4 महीने में 100 करोड़ रुपया उन्होंने विज्ञापन में खर्च कर दिया। अगर वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने का काम करते, अगर वो दिल्ली में लोगों को अवेयर करने का काम करते, इतना बड़ा सिविल डिफेंस का इनका वॉलंटियर फोर्स है, उसको आप मार्केट एसोसिएशन में डिप्लॉय करिए। ऐसे एक ये कोई रास्ता नहीं है, संवाद एक रास्ता है, और अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना दिल्ली सरकार की ड्यूटी है।